तीसरी लहर दिख रही है और पिछले एक सप्ताह में कई नए केसेस कोरोना के हम लोगों के सामने आए हैं, उसको लेकर के सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और सबसे पहले तो हम लोगों ने टेस्टिंग को काफ़ी बढ़ा दिया है, करीब 5,000 टेस्ट प्रतिदिन कराए जा रहे हैं। और लेसन में होम आइसोलेशन वाले केसेस में हम लोग यहाँ कंट्रोल रूम से फ़ोन करा रहे हैं उनकी, और ज़रूरत पड़ने पर उनको यथासंभव जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से उनको सजेशंस भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और हम लोगों ने CCC कोविड केयर सेंटर को भी एक्टिवेट कर लिया है, यदि आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पर लोगों को भर्ती कराया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी आरंभ हो गया और हम लोगों ने अब तक 1,20,000 से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। और वैक्सीनेशन का कार्य लगातार विभिन्न पंचायतों में, शहर में चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में हम लोग इसको और ज़्यादा तेज करने के लिए कटिबद्ध हैं। अभी करीब 12,000 से 14,000 लोगों को एक दिन में हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोरोना सिर्फ प्रशासन के ही की बात नहीं है, बल्कि सारे लोगों को आगे आना होगा इसके लिए कि अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो भूमिका है, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क धारण करना हो गया, लगातार हाथ धोना, इन सब चीज़ों का पालन करना आवश्यक है। तो सभी लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की आवश्यकता है, इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जा रहा है और मास्क चेकिंग, वाहन चेकिंग इत्यादि के भी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसको और भी तेज किया जाएगा ताकि कोरोना पर बेहतर तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकें। कोरोना को लेकर के 25 मार्च के बाद से केसेस आने शुरू हुए हैं और उसके बाद से ही सभी चीज़ों को रैंपअप कर दिया गया है। उसके पहले से ही वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है, एक बहुत की भी बात सामने आई है। और उस स्थिति को देखते हुए इसको सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इसको हम लोग मास्क की गतिविधि को, सोशल डिस्टेंसिंग को, बाज़ार में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की गतिविधियां लगातार चलाई जाती रहेंगी। जहां तक बात AES की है, चूँकि मुजफ्फरपुर जिले प्रयास से, मुझे उम्मीद है कि कोरोना पर कंट्रोल पाने में हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे।